बेटी हाथ हो तो धोला कल पर जाती। अंचला आज तक खाना बहुत सुंदर बनेला है, बहुत टेस्टफुल भी रहलो है। की बात है, तेरा हाथ में जादू है क्या हो? हाँ हाँ, ये जादू हाथ में ना, ये जादू तो हमरा बैगन में है। अच्छा, बैगन में जादू है? जोन बैगन के यहाँ सब्जी खैली है, से बैगन तो हम अपना भाभी कोनो से लाल छी बैगन। अच्छा, यहाँ के भाभी ऐसा बैगन कैसे उपजाबे छथिन, तो से टेस्टफुल सब्जी होइए? भाभी बैगन के खेती 2 साल से प्राकृतिक विधि से बैगन के खेती करे छथिन, और बैगन उपजाबे छथिन अच्छा ढंग से, बहुत अच्छा फलो तैयार हो जाए, और बहुत अच्छा सब्जी भी बने छै। अच्छा, वहां गेली त सीख के ना अइली? अभी हमार प्राकृतिक विधि से फूलगोभी के खेती लगावे छथिन। ठीक है, तो बताओ। बहुत दिन के बाद अइली है, हाँ रास्ता भी सर जाए छी। भाभी ऐसा कामे है, इसे फुर्सते न मिले छी, तो कैसे हम अहाँ से भेंट करू? हम सब तो खेतिए में लागल छी, अब जेना होती उसी न करे के सब दीदी के। अब तो गोभी फूल गोभी के रोपाई शुरू हो छी, हम सब रोपाई अब करबे के, खेत तो आज तैयारी भेलै, ओहि में रोपाई करे के है। हम सब तो प्राकृतिक विधि से फूल गोभी उपजबे छी, अहाँ सब कैसे करे छी? प्राकृतिक विधि कैसन होइ छै भाभी, हमरा तो मालूमो न है कि प्राकृतिक विधि कैसे होइ छै। आइए तो कोबी के लगाबी के है, बड़ा समय से आ गेली है, सब देख के जाए। ठीक है भाभी, चलू न बताइए दू। गोभी के रोपाई में कितना सामान लगे छै से हम बता दे छी, बात समझ लू। फूल गोभी के बिचरा 1 रस्सी, घनजीवा मित्र 5 किलो 1 कट्ठा के लेल। भाभी घनजीवा मित्र देना जरूरी है, एकर कौन काम है? प्राकृतिक खाद है, मिट्टी भी हल्का रहे छै आ शक्ति भी बनल रहे छै। 1 खुरपी, 1 इंची टेप, नापने के लिए लकड़ी के डंटा ले ले, पानी और बाल्टी, तारी, आही खेत में फूल गोभी रोपे के है, सवेरे ही खेत तैयार कर लिए है। खेत तैयारी कैसे कर लिए है भाभी? सबसे पहले जुताई भेलै, ओकरा बाद पटा लगलै, तकरा बाद घन जीवा मित्र छीट के आ तब फेर जुताई करके पटा लगलियै है। हाँ भाभी, वो खेत तो बहुत अच्छा तैयार भेल है। अच्छा, अब सबसे पहले अब नाली बना दै छी। देखो यहाँ पर 6 इंच गहरा कम से कम रहे के चाही, नाला के चौड़ाई कम से कम 1 फीट होय के चाही। हम रस्सी पकड़ू, हम लाइन बना रहल छी। बारह इंच के लकड़ी है, हम नाप के बनैले छी। दीदी 12 इंच के है, यह लकड़ी के सहायता से हम दरी बना ले छी।
पौधा से पौधा भी 12 इंच पर रहते या लाइन पी लाइन पर भी 12 इंच के रहते। अच्छा भाभी, अब हम समझ गेली से अथी पौधा के दूरी भी 12 इंची और पर लाइन भी 12 इंची। पौधा से पौधा भी 12 इंच पर रहते या लाइन पी लाइन पर भी 12 इंच के रहते। अच्छा भाभी, सुबह शाम में पानी पड़ते या फिर 4 दिन तक इसमें पानी पड़ते। ठीक है भाभी। गोभी के रोपाई में 3-4 चीज के ध्यान बहुत जरूरी होइ छै देवे के। खेत के तैयारी अच्छा तरह से होइ के चाही। खेत के चारों तरफ 6 इंच गहराई नाला बनाना जरूरी है। लाइन से लाइन और पौधा से पौधा 12 इंच होइ के चाही। सिंचाई के बाद सिंचाई बहुत जरूरी होइ छै। ई सब बात पर ध्यान करबै तो गोभी के खेती बहुत अच्छा से होत। बड़ा थक गेलिए भाभी? हाँ हाँ, चलू ना, पानी उनी पिया दे छी, कुछ आराम कर ले तो चल जाए। सही विधि तो अच्छा बतलायला। अच्छा चला, ही विधि से हम खेती को फूल गोभी खेती करम साल में। ठीक है, ये तो हाँ बहुत अच्छा सोच ली है। हाथ धो लूं।